एक ऐसी तारीख जिसे दिल्ली वाले शायद ही भुला सकें। इस दिन इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ऐसी वारदात हुई जिसने दिल्ली को ही नहीं बल्कि पूरे देश को शर्मिंदा कर दिया। दिल्ली की वो काली रात जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। 16 दिसंबर की रात कड़कड़ाती ठंड में वो अपने दोस्त के साथ घर की तरफ लौट रही थी। उसने मुनरिका से द्वारका जाने के लिए एक बस पकड़ी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि आज रात उसके साथ क्या होने वाला है। निर्भया और उसके दोस्त के अलावा बस में 6 लोग मौजूद थे। निर्भया को अकेला देख वो उसके साथ छेड़खानी करने लगे, लेकिन छेड़खानी ने इतना क्रूर रूप ले लिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वे सभी दरिंदे उस पर टूट पड़े। उन वहशी दरिंदों का सामना कर वो हार चुकी थी। उन सब ने निर्भया के साथ सामूहिक बलात्कार किया। यही नहीं, उनमें से एक ने जंग लगी लोहे की रॉड निर्भया के प्राइवेट पार्ट में डाल दी। वहीं निर्भया के दोस्त को उन्होंने मार मार कर बेहोश कर दिया और निर्भया के साथ दरिंदगी की सभी हदें पार कर दी। उसके बाद आधी रात को दक्षिण दिल्ली के महिपालपुर के नजदीक वसंत विहार इलाके में चलती बस से दोनों को फेंक दिया। आधी रात हो चुकी थी, पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक और युवती बेहोश पड़े हैं। सूचना मिलने के साथ ही पुलिस हरकत में आ गई। पीड़ित लड़की को नाजुक हालत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला तब तक मीडिया की सुर्खियों में आ गया था। पूरा देश इस खबर को देख रहा था। लड़की के साथ हुई दरिंदगी को जानकर हर कोई गुस्से में था। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर आवाजें उठने लगी। मीडिया पल पल की खबर दिखा रहा था। जहां बड़े बड़े नेताओं को अपनी रैलियों, जनसभाओं, आंदोलनों के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, वहीं इस घटना ने लोगों को इतना झकझोर दिया कि वे निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए इंडिया गेट पर लाखों की तादाद में खुद ही पहुंच रहे थे। ये मुद्दा सड़क से संसद तक उठ रहा था। उस समय दिल्ली की शीला दीक्षित की सरकार की भी खूब किरकिरी हुई और एक दिन इसी जद्दोजहद के बीच निर्भया ने 29 दिसंबर को सिंगापुर में माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में दम तोड़ दिया। आज भी उसके केस की सुनवाई चल रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी आरोपियों की फांसी की सजा बरकरार रखी है, लेकिन फिर भी मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या निर्भया को इंसाफ मिला। विनोद कुमार के साथ करुणा ठाकुर, नवोदय टाइम्स।